ये तो चलता है, मतलब एक मिनट चलता है उसके बाद अपने आप बॉर्न हो जाता है। कारण क्या है, क्यों बॉर्न हो जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिबुल्लाह गाजी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नया वीडियो। आज का वीडियो ध्यान से देख लें, ठीक है। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला, क्योंकि दोस्तों आप लोग इसे देख रहे हैं, इंडक्शन ओपन है ना, ये तो कस्टमर लाया है। इसका प्रॉब्लम है, मतलब E6 डिस्प्ले में E6 रीडिंग आ रहा है, तो मतलब क्या है वो सब कुछ इस वीडियो का अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है, और रिपेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, E6 हो रहा है, और मतलब ये तो चलता है, मतलब एक मिनट चलता है उसके बाद अपने आप बॉर्न हो जाता है। कारण क्या है, क्यों बॉर्न हो जाता है, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो का जरूर अंत तक वॉच कीजिए, ठीक है। ये जो मतलब बीमारी है ना, सुनने में देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका सॉल्व करना बहुत ही आसान, आप लोग घर बैठे भी कर सकते, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देख लेना, और शुरू से लेकर अंत तक वॉच, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों को तुरंत मिल जाए, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने का सही तरीका सिखाता हूँ। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग देख लीजिए। तो अभी हम लोग इसमें लाइन घुसा दिया, ऑन भी किया, देख लो आप लोग यहाँ पे तो काम कर रहे, ये तो चल रहे, देख लीजिए आप लोग, ये तो अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहे, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है कुछ देर बाद देखने को मिलेगी। वीडियो को ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे E6 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ज़्यादा हीट हो गया, अपने आप बंद हो गया, ये हर टाइम ऐसा हो रहा है, हर टाइम, ठीक है। कस्टमर ने परेशानी हो गया कस्टमर, इसलिए मेरे पास लाया है। तो अभी ये चलेगा, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद, अभी तो गर्म है इसलिए मतलब नहीं चल रहा है, देख लीजिए आप लोग, थोड़ा ठंडा हो गया, फिर और चालू हो गया, और अब और फिर E6 आ गया, बंद हो गया, ठीक है। तो आप लोग तो प्रॉब्लम देख लिया, अभी हम लोग इसको खोलेंगे, खुल के अंदर क्या हुआ है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, वो सब कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ, और रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना, ठीक है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप लोग देख सकते हैं यही मतलब ऐसा कंडीशन में आप लोगों को कहाँ देखना पड़ेगा, पहले इसको फैन को देखना पड़ेगा, फैन आखिर ठीक है कि नहीं, फैन का वोल्टेज मतलब फैन ये तो 18 वोल्ट का फैन है, 18 वोल्ट, तो वहाँ पे लाइन इनपुट करके मतलब बिजली इनपुट करके फैन में लाइन जा रहा है कि नहीं, वोल्ट आ रहा है कि नहीं 18 वोल्ट, उठा चेक वो तो पहले चेक कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग फैन तो थोड़ा मतलब कौशा है, मतलब जाम है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसमें लाइन घुसा दूंगा, उसका बाद मल्टीमीटर से फैन को जो वोल्ट है ना, जहाँ से फैन को वोल्ट मतलब जाते हैं, वहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर को इस्तेमाल करके चेक कर लेंगे पहले, आखिर वोल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका बाद में डिसाइड करूँगा, ठीक है। अगर वोल्ट दे रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहा है तो भी अच्छी बात है, सब कुछ तो रिपेयर करने वाला हो इस वीडियो का अंदर, ठीक है। पहले तो फैन को देखना पड़ेगा, उसके बाद और कुछ देखना पड़ेगा, अगर फैन अगर ठीक है तो और किसी साइड देखना है, ठीक है। तो पहले तो फैन हम लोग फैन तो चेक कर लेता हूँ, फैन का वोल्टेज पहले चेक कर लेता हूँ, उसका बाद देखिए आप लोग। तो यहाँ पे हम लोगों को इंडक्शन ओपन ऑन है, यहाँ पे हम लोगों को फैन का जो वोल्ट है ना 19 वोल्ट दिखाई दे रहा है, मतलब एक वोल्ट मतलब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसके लिए कुछ भी नहीं होता है, एक वोल्ट एक दो वोल्ट होता ही रहता है। तो हम लोगों को तो फैन तो नहीं घूमता है, आप लोग देख सकते हैं फैन नहीं घूम रहा है, इसका कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब फैन नहीं घूमने के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग फैन को चेंज करके और दूसरा
फैन लगा के देखूंगा क्या है, चलता है कितना टाइम तक चलता है कि नहीं, ये ठीक हुआ कि नहीं, सब कुछ देखूंगा इस वीडियो के अंदर। बस वीडियो पे बने रहना, ठीक है। तो हम लोग दूसरा वाली एक फैन को लिया है, उसको लगा दूंगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोगों को तो फैन लगाना हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉयल को लगा देता हूँ, उसके बाद उसका कैबिनेट को लगा दूंगा, उसके बाद में हम लोग इसमें मतलब पानी गर्म करूंगा, ठीक है। इसमें हम लोग फैन को चेंज किया, ठीक है। अगर ऐसे प्रॉब्लम में बस सिर्फ सिर्फ फैन को खराब होना नहीं है, और किसी चीज खराब हो सकती है, ठीक है। इसलिए सब कुछ पहले चेक करना, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा, तब जाके मतलब डिसाइड करना है, ठीक है। हम लोग पहले फैन को चेक कर लिया, खराब दिखाई दिया, इसलिए फैन को चेंज करके दूसरा फैन लगाया। उसके बाद हम लोग फिर ओपन को ऑन करके चला के देखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे E0, यहाँ पे हम लोगों को हीट हो रहा है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हीट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अभी भी हम लोगों को मतलब इंडक्शन ओपन बॉन नहीं हुआ, मतलब यही प्रॉब्लम थे इसमें, ठीक है। ये फैन का प्रॉब्लम थे, इसलिए ऐसा हो रहे थे। तो फैन को तो चेंज कर दिया, इसका मतलब हमारा जो इंडक्शन ओपन बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, मतलब पहले तो इतना टाइम तक नहीं चलता थे चलते थे, ठीक है। वीडियो तो थोड़ा मतलब लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा कम समय दिखाया। आप लोग समझ लीजिए, हमारा जो इंडक्शन ओवन बिल्कुल ओके हो गया, ठीक है। आप लोग देख लीजिए कितना गर्म हो गया हमारा मतलब पानी, ठीक है। अभी भी बॉन नहीं हो, बॉन नहीं होगा तो बिल्कुल मतलब ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग भी रिपेयर कीजिएगा इंडक्शन ओपन, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कीजिए, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो और दिक्कत परेशानी ना हो, होगा ठीक है, नहीं होगा। तो कितना टाइम तक मैंने चला रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, अभी बॉन नहीं हुआ, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना तक। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारा मतलब हम जब भी कोई अगर वीडियो अपलोड करूँगा ना, तो तुरंत आप लोगों को पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। इसी तरीका के वीडियो हम लोग हर टाइम बनाता हूँ, फैन मोटर का वाइंडिंग, ठीक है, इन्वर्टर रिपेयरिंग, इसी तरीका का वीडियो हम लोग हर टाइम बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोग भी कुछ सीख सके या देख सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक।